धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देवी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दिवाली परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला त्योहार है। इसकी शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदने के पीछे क्या कारण है। धनतेरस पर जहाँ सोने चांदी खरीदने का महत्व है, वहीं झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। इस दौरान फूल और सिंक वाली झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद उस पर सफेद रंग का धागा जरूर बांधें। ऐसा माना जाता है कि धागा बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दौरान ध्यान रहे कि झाड़ू को साफ हाथों से ही छुए। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा सही तरीके से ही इसे रखें। कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां से वो किसी की नजर में ना आए। पुराने झाड़ू को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए धनतेरस से पहले ही इसे उचित जगह पर छुपा कर रखते। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता जी की पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1:56 की होगी। इसी दौरान यम दीप भी जलाना शुभ होगा। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप चांदी या सोने के सिक्के भी घर लेकर आ सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।